हेलो व्यूवर्स, आज हम लखनऊ की फेमस मुगलाई डिश चिकन बर्रा बनाएंगे। क्या मस्त क्रीमी ग्रेवी विद रोस्टेड चिकन, ऊपर से नींबू निचोड़ के आहा मज़ा आ जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 700 ग्राम चिकन मैंने इसे मुर्ग मुसल्लम स्टाइल में कटवाया है। आप नॉर्मल बोन या बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इस तरह इसे डीप कट्स दे दीजिए ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक चला जाए। अब जाएगा इसमें 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून मलाई, 1/2 टीस्पून चिकन गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 नींबू। अच्छे से निचोड़ दीजिए। अब इसे अच्छे से हाथ की मदद से मिलाइए ताकि मसाला कट्स के अंदर तक पहुँच जाए। 3 से 4 घंटा हम इसे फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप इसे 1 घंटा भी मैरिनेट कर सकते हैं। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है हम मसाला रेडी कर लेंगे। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखिए। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर, 2 मीडियम साइज प्याज, मोटा मोटा काट लीजिए क्योंकि हमें ये सारे मसालों को पीसना है, 8 से 10 काजू, 1 टेबलस्पून मगज। हल्का सा गुलाबी होने तक हम इसे सौटे करेंगे। चिकन बर्रा स्टार्टर्स जैसा खाया जाता है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो ये क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिए, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 से 3 मिनट सॉटे करने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद अब इसे बारीक सा पीस लीजिए। सेम कढ़ाई में अब हम चिकन को पका लेंगे। गैस को स्लो आंच पे रखिए। 2 टेबलस्पून बटर या तेल जो लेना चाहे आप ले सकते हैं। अब ये मैरिनेटेड चिकन मसाला समेत हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। कढ़ाई को ढक के चिकन को हम एक तरफ से 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। आप बीच में चेक कर लीजिएगा कहीं आपका चिकन पकड़ा नहीं है। 4 मिनट बाद देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट बाद अब इस तरह चाकू के हेल्प से चिकन को चेक कर लीजिए। चिकन हमारा 80% पका होना चाहिए। अगर आपका चिकन 80% पक गया है तो आप गैस बंद कर दीजिए। चिकन को हम रोस्ट कर लेंगे। चिकन ने जो मसाला छोड़ा था उसे कढ़ाई में रहने दीजिए, सूखा चिकन निकालिएगा। इस तरह हम रोस्ट पैन में चिकन को मीडियम फ्लेम पे चारों तरफ से रोस्ट कर लेंगे। सारे चिकन पीसेस को आप रोस्ट कर लीजिए। अब हम बर्रा चिकन की ग्रेवी रेडी करेंगे। ये जो कढ़ाई में बचा हुआ मसाला है इसमें डालेंगे काजू और प्याज का पेस्ट जो हमने बना के रखा था, 1/2 गिलास, 1/2 से 1 गिलास जितना आप पानी डाल सकते हैं, 2 टेबलस्पून भर के दही, 1 टेबलस्पून भर के मलाई। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 3 से 4 स्लिट हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून बटर ऊपर से डालेंगे। अब कढ़ाई को ढक के हम 4 से 5 मिनट तक मसाले को पकने देंगे। 5 मिनट बाद देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा से ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है। आप बीच बीच में चलाते रहना नहीं तो ग्रेवी कढ़ाई को पकड़ लेगी। आखिर में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 से 1 गिलास जितना हम नीम गरम पानी डालेंगे। अब ये रोस्टेड चिकन ग्रेवी में डाल के अच्छे से मिला लीजिए। हम इसे ढक के स्लो आंच पे 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। माशाल्लाह ग्रेवी ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये सेमी ड्राई डिश है। ऊपर से डालेंगे बटर, नींबू और पत्ता प्याज। गर्मा गर्म खाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश कैसे लगी। थैंक यू।